हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बायोटेनिक वेदांतो। दिस इज योर केमिस्ट्री विजर्ड संजय आर्या और मेरे इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशंस में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अर्लियर जब मैंने आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो काफी लोगों ने ये डाउट रेज किया था कि सर कौन सी टेक्निक ऐसी है जिसके थ्रू हमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना चाहिए। तो यारो, वही चीज का सलूशन लेके मैं यहां पे आ गया हूं। दिस इज आवर मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी ऑथेंटिक वे टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो यार देखो, ऐसा है, सिंपल सी बात है, एक सेकेंड दो मुझे, यस, कि वैसे तो देर आर सेवरल वेज टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन एंड सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो हम लोग करते हैं वो तुक्के मारते हैं। तुक्के मारने वाली विधि जिसे हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एंड हम लोग यहां पे भी सेम ही चीज करेंगे, लेकिन एक होता है ना कि हिट एंड ट्रायल में भी अगर मैं आपको एक रास्ता बता दूं कि ऐसे ऐसे जाओ तो ज्यादा बेटर हो पाएगा। मान लीजिए आपके सामने लाइन से 5 गेट यहां पे हैं, लेवल 1, 5 गेट्स है लेवल 2, 5 गेट्स है लेवल 3 एंड पहले गेट में सेकेंड गेट खुलेगा, सेकेंड वाले लेवल के अंदर तीसरा गेट खुलेगा और लास्ट वाली जो आपकी लेवल है थर्ड लेवल, उसमें फिफ्थ गेट खुलेगा। तो अगर मान लीजिए आपको ये रास्ता पता चल जाए कि सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ में जाना है तो आप लोग इजीली क्रॉस कर लोगे। अदरवाइज क्या करोगे, कभी इधर टकराओगे, कभी इधर टकराओगे, कभी इधर टकराओगे, दैट विल डेफिनेटली किल योर टाइम। तो प्यारे बच्चों, इसी चीज को ध्यान रखे, मैं लेके आया हूं ये सेशन आप लोगों के लिए, दैट इज मोस्ट रिलायबल वे फॉर बैलेंसिंग योर केमिकल इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। नंबर वन चीज क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो यारो, वो सारे के सारे रिएक्शन, यानी वो सारे के सारे इक्वेशन जिनमें दो चीजें फॉलो। नंबर वन चीज क्या है कि एवरी रिएक्शन मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जितने लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में दिए हुए हैं रिएक्टेंट उतने ही कितने होने चाहिए राइट हैंड साइड में भी रिएक्टेंट होने चाहिए, प्लस वो क्या करना चाहिए, लॉ ऑफ एटम कंजर्वेशन को भी फॉलो करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ मास ही दोनों जगह बराबर कर दिया, यानी ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी कि आपने कोई रिएक्शन लिख ली कि सर NO इज गिविंग अस, देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना ये, एक सेकंड मुझे देना, एक एग्जांपल लेके मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई रिएक्शन में अगर मास दोनों साइड में इक्वल कर दिए तो आपने रिएक्टेंट चेंज कर दिए। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल अपने पास में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। भले ही मास जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी कितना है, कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, यानी यहां पे भी 28 है, यहां पे भी 28 है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन जो होगी आपकी लॉ ऑफ एटम कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर एटम्स दिए हुए उतने ही एटम्स आपके राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए, तभी जाके रिएक्शन को क्या माना जाएगा, परफेक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विद वन एग्जाम्पल। तो बच्चों, जो ट्रायल मेथड में कराने वाला हूं, दैट इज आर हिट एंड ट्रायल मेथड, वो क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसके लिए प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आने वाले 5 मिनट में आप ना एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप लोग बैलेंस खुद से कर रहे होंगे कुछ इस तरह से, लाइक एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी काइंड। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी सबसे पहले क्या करना होता है, एक क्वेश्चन आपके सामने गिवन है कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लिए कंबशन ऑफ इथेन से। तो मैं जो सबसे पहले सिखाऊंगा आपको, मैं सारे स्टेप सिखाऊंगा, लेकिन इट इज वेरी मच एडवाइस कि जरूरी नहीं कि एग्जाम में 5 out of 5 marks लेके आने आपको, ये कोई आपके स्कूल का एग्जाम नहीं हो रहा है। आप लोगों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेप को स्किप करना होता है और अल्टीमेटली फाइनल स्टेप पे जंप करना होता है, लेकिन मेरा काम बीइंग अ टीचर है सारे स्टेप को इजीली स्टेप बाय स्टेप सिखाना। नंबर वन स्टेप आती है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि उन पर्टिकुलर नेम्स में, यानी पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। जैसे कंबस्शन हमेशा एक कंबस्टिबल सब्सटेंस की प्रेजेंस में होगा, दैट इज इथेन, और उसे किसके साथ कंबस्ट करना है, वो करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द सपोर्टर कॉल्ड एज ऑक्सीजन। जैसे ही दोनों कंबाइन होंगे क्या प्रोड्यूस होते हैं, CO2 एंड H2O अलोंग विद सम एनर्जी। अब एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम लोगों को बैलेंसिंग में सिर्फ क्या काम आएंगे, केमिकल रिएजेंट्स काम आएंगे। तो केमिकल रिएजेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए बच्चों, इसी को आगे सोल्व करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्टेप नंबर टू क्या है हमारा, स्टेप नंबर टू यहां पर दिया हुआ है, नोट्स आपसे शेयर कर दिए जाएंगे अनडाउटली, लेकिन बिफोर दैट आपको यह याद रखना है कि स्टेप टू है डायरेक्टली ब्लाइंडली मत जाइए, ऐसे कंपाउंड को पकड़िए, ऐसे आयन को पकड़िए जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो और वहां से बैलेंसिंग शुरू करो। तो यहां पे देखिए एग्जांपल में ये आपके सामने इथेन गिवन है जिसने रिएक्शन करनी है ऑक्सीजन के साथ में,
और प्रोड्यूस क्या करने है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस करना है एज अ रिजल्ट। वो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बहुत ज्यादा टाइम चला जाता लिखने में, इसलिए मैंने नहीं लिखा। एनीवेज अब ये जो आपका इथेन है, यहां पे मुझे सबसे ज्यादा एटम दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं 2+6 8, यहां पे ऑक्सीजन में 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में 3 है, H2O में भी 3 है। हमें किससे पिक करना है, हमें C2H6 को पिक करना है। बच्चों इसमें बताइए कौन सा एटम ऐसा है जो कि दोनों साइड में डिफर है, दैट इज कार्बन, कितना है यहां पे 2, वहां पे कितना है राइट हैंड साइड में CO2 में 1, क्या करेंगे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, यहां लिख दीजिए 2। नेक्स्ट क्या आपके पास में, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, राइट हैंड साइड में 1, यानी 1 H2O मींस 2 हाइड्रोजन दिए हुए। राइट हैंड साइड को कितने से मल्टीप्लाई करूं, यानी 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए, डेफिनेटली 3 से, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए आपके हाइड्रोजन जो कार्बन है बैलेंस्ड है। अब इसके बाद में आपको यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास में एलिमेंट्री फॉर्म में है, समझ में आ रही बात, ये देखिए अपन ऑलरेडी यहां तक आ चुके हैं। तीसरी चीज क्या होती है बच्चों, एलिमेंट्री चीज क्या होती है, ये सामने गिवन एलिमेंट्री चीज है, क्या है H2, N2, O2, Cl2, P4, ऐसे कोई भी चीज हो, चाहे O2 हो, चाहे O3 हो, चाहे P4 हो, चाहे S8 हो, चाहे H2 हो, चाहे Cl2 हो, चाहे Br2 हो, चाहे I2 हो, कोई भी ऐसी चीज जो अपनी नेटिव स्टेट में है, जो अपनी रेफरेंस स्टेट में है, जो नेचर में एग्जिस्ट करती है अपनी अकेली स्टेट के अंदर, जैसे Na है या फिर Ca है या फिर Fe है या फिर Al है, वो सारी की सारी चीजों को ना एकदम लास्ट में बैलेंस करेंगे। Why so? Because हम लोग इनको कितना भी नंबर असाइन कर सकते हैं, हम लोग इसको 1 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, तो बिना अंडरगोइंग एनी चेंज इन अदर थिंग्स, कोई भी बाकी चीजें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में चेंज ना करे हुए इनको कितना भी बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहां पे, यार देखो यहां पे ये कार्बन बैलेंस था, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया था, ऑक्सीजन कितने हो गए थे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो हमारे पास में ऑक्सीजन के एटम कितने थे, देखिए 2 × 2 = 4 + 3, दैट इज 7। अब यहां पे O2 के फॉर्म में है, तो यार O2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो 7 बन जाए, 2 को 7 बनाने के लिए 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 7/2, तो यही तो किया है मैंने यहां पे 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है, लेकिन केमिस्ट्री बोलती है कि यार मॉलिक्यूल्स को तोड़ो मत ऐसे, मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे या मोल्स जो रहेंगे वो हमेशा 1 रहेंगे, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, ये हाफ हाफ क्या होते हैं। तो बच्चों आंसर आपका हमेशा जब आप स्टोइकोमेट्री सोल्व करेंगे तो आ जाएगा यहां से, लेकिन इट्स वेरी मच सजेस्टेड कि इन ऑर्डर टू राइट एवरीथिंग एज पर द केमिस्ट्री आपको नंबर पूरे बनाने पड़ेंगे, सारे स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, जिसके लिए क्या करेंगे डिनोमिनेटर में जो पार्ट है जैसे 2, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, तो देखिए क्या बन जाएगा पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके, यस दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ट्वाइस ऑफ C2H6 गिव्स रिएक्ट्स विद 7O2 गिविंग यू 4 CO2 6H2O। बच्चों इस वाली रिएक्शन में दोनों साइड में मास भी बैलेंस है, एटम्स भी बैलेंस हैं, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस इक्वेशन एज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आया मजा आप लोगों को, तो चलिए जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, किस तरह क्वेश्चन भाई, इस तरह का क्वेश्चन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के लिए हम लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, कैसे करेंगे इधर देखिए बच्चों, सबसे पहले इक्वेशन बनाइए, देखिए सबसे पहले क्या है, ब्यूटेन है, किसके साथ में रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन में, क्योंकि फ्यूल है और फ्यूल जब भी बर्न होता है क्या प्रोड्यूस करता है CO2 + वाटर। इस रिएक्शन को सबसे पहले अपन लिख लेते हैं किसके फॉर्म में, इनके केमिकल फॉर्मूलास की फॉर्म में, क्या केमिकल फॉर्मूला लगेगा, ब्यूटेन C4H10, ऑक्सीजन O2 गिव्स CO2 + H2O। अब प्यारे बच्चों ये बताइए कि कौन से कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, द वन विच इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, बताइए सबसे ज्यादा एटम कहां पे गिवेन है, डेफिनेटली C4H10 में, कितने एटम्स है यहां पे 10+4 = 14 एटम। इसमें क्या करना है, इससे शुरुआत करो कार्बन से, कार्बन इधर 4 है, इधर कितने 1 है, 4 लगाओ, हो गया बैलेंस कार्बन। यहां पे हाइड्रोजन कितने 10, यहां पे कितने दिए हमें 2,
दो को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए, डेफिनेटली 5 से, 5 लगा दीजिए, हो गया भैया काम हमारा। अब क्या स्टेप था कि ऐसे सारे एलिमेंट जो बिल्कुल नेटिव स्टेट में होते हैं उनको एट लास्ट बैलेंस कीजिए। तो एट लास्ट इसको करेंगे, ऑक्सीजन को कितना बनाना है, राइट में ऑक्सीजन कितना है, 4 × 2 = 8 प्लस 8 + 5, यानी यहां पे ऑक्सीजन कितने बच्चों, यहां से 8 है प्लस यहां से 5, टोटल 13। तो 13 बनाने के लिए क्या करेंगे, 13/2 से डिवाइड करेंगे। ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को केमिस्ट्री के टर्म्स में ऑथेंटिकली लिखना है हमें, तो सारे के सारे स्टोइकोमेट्री को क्या बनाएंगे, कंप्लीट होल नंबर बनाएंगे, यानी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2 टू गिव यू द फाइनल आंसर एस, यस 2 टाइम्स ऑफ C4H10 प्लस 13 ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स विल गिव यू, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 8 CO2 प्लस क्या बन जाएंगे 10 H2O। बच्चों बधाई हो, यह है आपका मोस्ट ऑथेंटिक वे टू गिव यू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है कहानी, समझ में आया सब कुछ? तो जल्दी से एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि एकदम पकड़ मजबूत बना ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। यह है आपके सामने एक नया क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। चलो भाई कर लेंगे, क्यों ना करें। बच्चों लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, ये होता है आपका PbNO3। और ये जल्दी जल्दबाजी में गलती करते हैं बच्चे हर बार। बच्चों लेड नाइट्रेट यानी लेड की यहां पे जो वैलेंसी है वो 2 है, जैसे बनता है ना PbCl2, वैसे यहां पे भी बनेगा लेड नाइट्रेट में PbNO3 होल ट्वाइस, बिकॉज नाइट्रेट की वैलेंसी जो आयन है उसकी 1 होती है। HNO3 से पता करेंगे आप, जैसे नाइट्रिक एसिड में H+NO3-, लाइक दैट। इसे क्या कर देंगे, ट्वाइस करेंगे। इसका डिकम्पोजिशन करना है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, हीट लगाएंगे, या मत भी लगाओ कोई इशू नहीं है, हम लोग तो बैलेंसिंग सीख रहे हैं, नॉट अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बनाता है बच्चों, वो बनाता है लेड ऑक्साइड प्लस बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड येलो कलर की गैस, और प्लस मिलेगा ऑक्सीजन। ये आपकी पूरी कंप्लीट रिएक्शन है, इसे बैलेंस करना। स्टेप सारे हमें आते हैं, तरीके हम लोग बहुत ऑथेंटिक यूज कर रहे हैं, ऐसे हमें आंसर मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। करके देखो इसको, लेड यहां पे कितना है बच्चों, 1। राइट हैंड साइड में कितना है, 1, यानी बैलेंस है। मतलब मैंने सब्सटेंस कौन सा पिक किया स्टार्ट करने के लिए, जिसमें ऑलरेडी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम गिवन है। अब आगे बढ़ो, यहां पे नाइट्रोजन कितने, 2, वहां पे कितना है, 1। क्या कर दूंगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2NO2 बन गया। ऑल वेल, ऑल इज वेल। नेक्स्ट बढ़ेंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन। हां जी, और ऑक्सीजन किसमें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहां पे रेफरेंस स्टेट के अंदर है, नेटिव स्टेट के अंदर है, अनकंबाइंड स्टेट में, जिसे कितना भी नंबर हम लोग अपने एंड से बना सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कितना बनाना चाहिए, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, यहां पे कितना है, 3 × 2 = 6 है। बच्चों यहां पे कितना है, यहां पे देखो 1 है प्लस 2 × 2 = 4 है, और प्लस यहां पे 2 दिया है, मतलब ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि 7। तो यार समझ ही नहीं आया कि ऑक्सीजन को कितना बनाए, क्योंकि यार वहां पे तो ऑलरेडी ज्यादा है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये तो चेंज मैं कर नहीं सकता, यहां पर तो 1 में चेंज नहीं करूंगा ऑक्सीजन, यहां पे कितना है 2 × 2 दैट इज 4 में चेंज नहीं कर सकता, 5 है। लेकिन अगर मैं इस 5 में कितना ऐड करूं कि इसके बराबर आ जाए 6 के बराबर, 1, यानी वहां पे मुझे जो O2 दिया हुआ है उसमें टोटल ऑक्सीजन एटम कितने बनाने, 1 बनाने। तो प्यारे बच्चों इस फॉर्मूला को यूज कीजिए एंड मल्टीप्लाई O2 बाय हाफ। जैसे ही हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे कहानी आपकी सॉल्व हो चुकी है। फाइनल इक्वेशन एक बार लिख देता हूं, फाइनल इक्वेशन क्या होगी, यार कभी भी इसको छोड़ना नहीं हाफ के फॉर्म में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ लेड नाइट्रेट गिव्स यू 2 टाइम्स ऑफ लेड ऑक्साइड प्लस 4 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और बच्चों ये है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो यार सिंपल सी बात है, अरे वाओ मैन वी हैव अनदर स्लाइड। थैंक यू सबसे पहले फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ सजेस्ट मी एनी काइंड ऑफ वीडियो विच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर NEET 24 प्रिपरेशन। चाहे वो आपका लॉगरिथम हो, चाहे वो आपके बैलेंसिंग हो, केमिकल इक्वेशन हो, चाहे वो स्टोइकोमेट्री हो, मैं हर एक सेगमेंट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियोस बना रहा हूं। तो बच्चों प्लीज मुझे कमेंट करके सजेस्ट कीजिए कि आपको और कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए। सी यू सून एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर NEET 24 प्रिपरेशन।